জ্ঞানবাপী মসজিদে পূজো করতে আর বাধা রইল না। মুসলিম পক্ষের স্থগিতাদেশের আর্জি নাকচ করলো ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। আর এরপরই ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রীতিমতো ফুঁসে উঠলেন জামিয়াতে উলেমা হিন্দ প্রধান মাওলানা আজাদ মাদানি। এদিন তিনি বলেন, ওই জায়গায় যেখানে মসজিদ আছে সেখানে মন্দির হবার কোনো জায়গা নেই, যেখানে মূর্তি রাখা আছে সেখানে পরে মূর্তি এনে রাখা হয়েছে, এটা ঠিক নয়, এটা জুলুম করা হচ্ছে, আমাদের জায়গা আমরা কাউকে দিয়ে দেব এটা হতে পারে না। আসুন শোনাই আপনাদের কি বলছেন মাওলানা আরশাদ মাদানি জামিয়াতে উলেমা হিন্দের, শুনুন। মেরে খেয়াল মে আপনি উস জগা কো নহি দেখা হে, ইয়ে গঙ্গা জো নদি জাতি হে উসকে কিনারে কে উপর তমাম মন্দির হি মন্দির বনে হুয়ে হ্যায়, दरमियान में एक सड़क है, उस सड़क के इस पार तमाम मंदिर बने हुए हैं, दूसरी तरफ ये मस्जिद है। जिन चीजों को कहा जा रहा है कि वहाँ बुत हैं और वहाँ मंदिर होने के आसार हैं, वो जगहें हैं कि जो मस्जिद से हटी हुई हैं। जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर होने का कोई असर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वहाँ कोई मंदिर की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, उसके दाएं बाएं किबले की तरफ अगर आप चले जाएं तो गंगा तक मंदिर ही मंदिर हैं। ये बात गलत है, वहां अगर वहां होते तो जो तहखाना है जिसके अंदर मूर्ति लाकर रखी गई है और जिस मूर्ति के ऊपर पूजा रात में कराया गया है, ये मूर्ति बाहर से लाकर न रखी जाती, यहाँ पहले से मूर्ति होती। लेकिन यहाँ पहले से मूर्ति नहीं है तो फिर कैसे कह दिया जाएगा कि यहाँ पहले से मंदिर बना हुआ था और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई है। हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारी अल्लाह के नबी जो फरमाते हैं उसके ऊपर कहते हैं कि किसी ऐसी जमीन पर जो जमीन मुसलमान की नहीं है, दूसरे की है, उस जमीन को बजोरो जबरदस्ती छीन कर उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। ये कैसे हो सकता है? हम बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी यही कहते थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बता दिया कि मस्जिद अपनी जगह के ऊपर है, यहाँ मंदिर नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये राम जन्म भूमि नहीं है जहाँ मस्जिद बनी हुई है। हमारा दिल बिल्कुल साधु शादमान है, हम यही बात कहते हैं कि चाहे वो मथुरा की ईदगाह हो, चाहे वो ज्ञान वापी मस्जिद हो, वहाँ कभी मंदिर नहीं था, हो नहीं सकता, ये इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है। पर ये तो एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक बहस है, मुस्लिम साइड ने अपना पक्ष रखा, हिंदू पिटिशनर्स ने अपनी बात रखी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट निकाली जिसमें 15 शिवलिंग, 3 स्कल्पचर्स विष्णु भगवान के, 3 गणेश, 2 नंदी, 2 कृष्णा, 5 हनुमान वहां पर पाए गए। और इसके आधार पे अब पहले लोअर कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां पर प्रार्थना करने की इजाज़त दी है। ये तो अब फैक्ट्स है, वरना ये बहस तो चलती रहेगी, क्योंकि आप कुछ कहते हैं, हिंदू साइड कुछ कहती है, आखिरकार कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट के फैसले से चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये बताइए कि सर्वे की हैसियत क्या है? अगर सर्वे की कोई हैसियत होती तो क्या बाबरी मस्जिद अखाड़े को दे दी जाती? मुझे ये बताइए कि सर्वे की हैसियत गवर्नमेंट के नजदीक या आपके नजदीक है क्या? सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई चीज नहीं थी, इसके बावजूद मस्जिद दी गई। अब जितने भी कवानीन के बुनियाद के ऊपर सर्वे होंगे, हर सर्वे के अंदर, चूंकि हमारा ये एतराज था, इसलिए हर सर्वे के अंदर इस चीज को लाया जाएगा कि यहाँ मूर्ति रखी हुई है। लेकिन हकीकत ये है, आप जाइए खुद सर्वे कीजिए, आपको मिलेगा कि मस्जिद से हटी हुई वो तमाम मूर्तियां हैं जो दूसरी जगह रखी हुई है, यहाँ मूर्ति लाकर रखी गई है और पूजा कराया गया है, इससे पहले वहां कोई मूर्ति नहीं थी। कैसे कह दिया जाएगा कि मूर्ति रखी हुई है? इसका मतलब यह है कि सर्वे रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है सर्वे रिपोर्ट। पर सर ये भी तो हकीकत है कि जब मुकुल बादशाह आए तब करीब कहा जाता है कि 3000 मंदिरों को ढहाकर वहां पर मस्जिदें बनाई गई, और ऐसे में जो हिंदू पिटिशनर्स हैं, अभी हाल ही में मैं अयोध्या में था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर कईयों ने कहा कि अगर काशी मथुरा मिल जाए तो अयोध्या काशी मथुरा का ये ट्रायंगल कंप्लीट करके उसके बाद इस तरह से जो ऐतिहासिक बहस है उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि बार बार ये जो इतिहास की बहस है उसकी तरफ ध्यान न खींचा जाए। आपको ये मालूम नहीं है
कि कितने मंदिर हैं जिन मंदिरों को मुगल बादशाहों ने कितने बड़े बड़े वक्फ किए हैं। इसका मतलब ये है कि आप जानते नहीं कि क्या चीज है। मैं ये बात कहता हूं कि मुगल बादशाह जो आए हैं वो बड़े बड़े बेपनाह उलमा को लेकर यहाँ आए हैं, उन्होंने किताबें यहाँ लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जंगल का राज आकर के उन्होंने कायम किया है, हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ इस्लाम मजहब के अंदर जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है कि किसी की जमीन को जबरदस्ती लेकर के वहां मस्जिद बनाया जाए। अगर होता तो वो उलमा जो उनके साथ थे वो सबसे पहले झंडा खड़ा करते, और हमने नहीं इस बात को सुना। हमें यकीन नहीं है, हम जानते हैं कि जहां मस्जिद बनी है वो मस्जिद अपनी जगह पर बनी है। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये ऐलान कर रहा है कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह है, मस्जिद को मंदिर की जगह नहीं बनाया गया। हम हर मस्जिद को इसी तरह समझते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको हिंदुस्तान के इतिहास और मुगल बादशाहों ने जो कुछ मुल्क के अंदर किया आपको कुछ मालूम नहीं है। सर, आपकी जो दलील है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखी गई, वहां पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। अब कहा यह जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, क्योंकि आखिरकार ये एक ऐतिहासिक बहस है। आपका पक्ष एक कहेगा, हिंदू साइड दूसरी बात कहेगी, और ऐसे ही चलते रहेगा। नहीं नहीं, ये ऐतिहासिक बहस है। आप गलत कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बहस, ये तो 3 दिन पहले की बहस है कि वहां कोई मूर्ति नहीं थी। इतिहास कहां जा रहा है, ये तो 3 दिन पहले की बहस है कि मस्जिद के नीचे किसी तहखाने के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी। जाते हुए रिटायरमेंट से पहले आखिरी फैसला दिया, मूर्ति को लाकर खेल खवा दिया गया और यहाँ इबादत करी, पूजा करानी शुरू कर दी। ये ऐतिहासिक बहस नहीं है, ये तो वो हकीकत है जो 3 दिन पहले दुनिया के सामने थी। ये आगे ये इतिहास कहाँ है? इतिहास के ऊपर बहस करते रहिएगा जब करेंगे आप। तो इसके बाद अब होगा क्या, क्योंकि वहां पे पूजा तो स्टार्ट हो गई है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हो। ये हमारा पहला एहतजाज है। मुल्क के अंदर 75 साल में कोई एहतजाज ऐसा नहीं हुआ कि ये कहा जाए कि अदालती फैसले के ऊपर हमारा एतमाद उठ रहा है। अदालत फैसले कानून के एतबार से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक फैसले इतिहास के बुनियाद के ऊपर और अकीदत की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा ये एहतजाज सारी दुनिया के अंदर लिखा जाएगा और सारी दुनिया जानेगी। इसका मतलब है कि मुल्क के ऊपर से एक अकलियत को उसके सुप्रीम कोर्ट और कुल कोर्टों के ऊपर से मुल्क का एतमाद उठ गया। ये बहुत खराब चीज मेरे ख्याल। प्रসঙ্গত আপনাদের বলি যে জ্ঞানব্যাপী মসজিদে পূজা করতে আর কোনো বাধা রইল না। মুসলিম পক্ষের স্থগিতাদেশের আরজি নাকচ করলো এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এও বলা হয়েছে যে জ্ঞানব্যাপীতে পূজো আরতি করা যাবে। আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটির তরফে এই বিষয়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল এবং হাইকোর্ট তা খারিজ করে দিয়েছে। আরও আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।